हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अब हम आपको आज घुमाने वाले हैं जू में। जो हम जाते हैं अपना हेलमेट वगैरह जमा करने क्लॉक रूम में। ये सौरभ भाई आ रहे हैं हेलमेट जमा करके। हेलमेट जमा हो गए समय जमा चले। तो गाइस, फाइनली टिकट की भसड़ पूरी करने के बाद हम घुस चुके हैं जू के अंदर। और गाइस, सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एंट्री टिकट के लिए उन्होंने काफ़ी तगड़ा स्कैम बोला जाए या क्या कर रखा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका फोन पे पेटीएम कुछ नहीं चलेगा, और बाकी टिकट इसमें 80 रुपीज़ है, और जो करने वाले वो आपसे मांगेंगे 100 रुपीज़। तो प्लीज़ अपना, आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने साथ लेके आना। तो दोस्तों, ये वाटर फाउंटेन है, आप देख सकते हैं पीछे पे बत्तख हैं। तो ये देखो, हमारे आगे अभी स्कूल के बच्चे कुछ हैं, शायद इनको स्कूल वाले लेके आए हैं घुमाने के लिए, जैसा कि हमें भी ले आया करते थे स्कूल वाले यहाँ वहाँ घुमाने के लिए। ये गाड़ियाँ हैं, अगर आपको सफारी वगैरह करना है तो उसके लिए यहाँ पे गाड़ियाँ दी गई हैं। गाइस, अगर आप लोग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पे अगर जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस कुछ इस तरह के चार्जेस हैं। तो यहाँ पे अब ये दो रास्ते हैं, अब आपको चूज़ करना है कि आपने कहाँ जाना है। तो इसके लिए आपको पहले ये बोर्ड देखना पड़ेगा कि आप कौन से पक्षी और कौन से जानवरों को देखने में इंटरेस्टेड हैं। तब अब हमें देखना है सफ़ेद बाघ, भारतीय बाघ, तो हम चूज़ करेंगे अपने इस रास्ते को। ने कहा है हमें बाघ देखना है। हाँ, अब हम वहीं जा रहे हैं मेन देखने, बाघ। हाँ, मेन हमें बाघ ही देखना है। हाँ गाइस, आप इसका क्लोजअप। ये देखो, और आप देखो इसके लिए कितना स्पेस दे रखा है, अकेले के लिए इतना सारा स्पेस इसको दे रखा है, देख सकते हो। सौरभ भाई, आपने आज बाघ को देख लिया है? पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या बाघ को देख के बात, तो थोड़ा डर कम हुआ? हाँ बिल्कुल, आज तो शांत बैठा है तभी डर कम हुआ। सही बात, चलो कोई नहीं, सही बात, देख लिया हमने, यही बहुत है। सर, अभी मैंने दूर से देखा ऑस्ट्रिच है। हाँ, आपने क्या कभी पहले ऑस्ट्रिच को मतलब देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। तो चलो अब देखते हैं। हाँ। तो गाइस, आप पढ़ सकते हैं ऑस्ट्रिच, जिसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये इसकी पूरी इन्फो है। बहुत बहुत बड़ा है। तो किसी किसी कंट्री में होती है ना, इसके ऊपर बैठ के करते हैं रेस। जो कैसे झांक के देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इस हमको इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं। ये देखो, ये है पॉर्क्यूपाइन, ये पॉर्क्यूपाइन है जिसको हम बोलते हैं साही। ये देखो, के कांटे बहुत खतरनाक होते हैं। नोकदार उभारों वाला कांटा है इसके। तो इसका वेट होता है 6 to 16 kg, और इसका लाइफ स्पैन होता है 4 to 8 years। तो आप बोल रहे हो मुझे इतना सब कैसे पता है? ऐसे पता है, आप भी ये जानकारी ले सकते हो। तो ये देखो, ये है ताड़ बिलाव, इसको कहते हैं ताड़ बिलाव, और ये यहाँ पर सो रहा है अपना आराम से। वो देखो, काफ़ी क्यूट सा भी है, और काफ़ी क्यूट है यार, क्यूट लग रहा है ना, बिल्कुल मुड़ के सो रहा है। अरे वाह, एक और ये रहा, ज़्यादातर सारे सो रहे हैं ऊपर। हाँ, इनको अच्छे से, मेरे को लग रहा है इनका अच्छे से काफ़ी देख रेख होती है, खाना वाना सब इनको टाइम से मिल रहा है, इसलिए आराम से अपना आराम कर रहे हैं अभी। गाइस, अब हम आपको ले आ रहे हैं लेपर्ड के पास। Thank you.
तो ये जो आप अभी जानवर देख रहे हैं इसको बोलते हैं गौर। ये कि हर्बीवोरस है और इसका वेट लगभग होता है 300 से 900 किलो के बीच में। और आप इस तरफ देखेंगे तो ये इस तरफ मेरे ख्याल से सारस है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और हम आपको दिखाते हैं ये जो गौर हमने दिखाया, ये है कुछ इसकी इन्फो, ये कैसा होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइज क्या है, ये सब इसमें आपको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये देखो गाइस जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये इन्हीं की आवाज़ है। ये इसने उड़ान भरी है और ये अभी जाएगा दूसरे पेड़ पे। ये उड़ान भर रहा है, ये देखो दोस्तों गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर है हिरन। ये देखो सारे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब जो आप ये देख रहे हैं ये है गोरल। पहली बार हमें ये लगा कि ये हिरन है, लेकिन ये गोरल है। लगभग ये मेरे ख्याल से जंगली बकरी कह सकते हैं इसको आप, है ना सरो भाई? हाँ, जंगली बकरी। दोस्तों ये दिखा रहा है बाघ, हिमालय, भालू और जल पक्षी, ये हमें जब मिलेंगे यहाँ की ओर, तो हम चलते हैं यहाँ को। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्लॉथ डियर, इसका हम रीच करते हैं। तो गाइस आपको ये लग रहा था मैं इनके काफ़ी क्लोज गया हूँ, मैं इनके क्लोज नहीं हूँ, मैंने इनको बहुत ज़्यादा जूम इन कर रखा है। ये देखो एक्चुअल में हम इतने दूर हैं और ये जो इनका एरिया है उसके बाद यहाँ पे ऐसा गड्ढा सा बनाया है पानी का ताकि ये क्रॉस ना कर सकें। अभी चले गया छाया में, इसको धूप लग गई है। हम पहुंच चुके हैं बार्किंग डियर के जोन में, कक्कड़ हिरन जिसको कहा जाता है। हम आपको दिखाते हैं बार्किंग डियर। तो ये देखो दोस्तों ये हैं बार्किंग डियर, ये एक ये है, बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो आगे से ये लेट के आराम कर रहे हैं, एक ये आ रहे हैं घूम के। सब पूछ हटाओगे अपनी? चलो यार पूछ भी उन्हें ऐसे रखी है कि कुछ चीज छुप नहीं रहा है। वाह आप तो सच में बहुत जीनियस हो। ये आ गया स्वाम्प बियर जिसको बोलते हैं बारा सिंगा, ये आप देख सकते हैं काफी अभी दूर पे है लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसके सिंग। मतलब हिरन और वो जो हमने नील गाय देखी थी उसमें बस यही फर्क है कि इसके सिंग काफी बड़े होते हैं, इसके छोटे से होते हैं, इसके काफी ज्यादा सिंग होते हैं। दोस्तों देखो हाइना की तलाश में हम चल रहे हैं फिर। सरो भाई पता चल रहा है कहाँ है हाइना? बस यहीं पर होगा, चलो देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स हाइना देखने गए थे, अभी वो बंद हो रखा है केज में, शाम को आएगा। चलो कुछ और देखते हैं, हाथी देख के आते हैं। चलो आपको हाथी हम देखते हैं फिर लास्ट में लायन देखते हैं। हाँ अब आपको पहले हाथी दिखाते हैं। चलो तो ये देखो गाइस मुझे लगता है ये इनके ट्रेनर हैं अब, जो कि सुन सकते आवाज। हाँ ये देखो इतना इतना बड़ा हाथी, देखो उसका ट्रेनर उसको कैसे मैनेज कर ले रहा है। आप चले गए? ओ वाओ हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिप्पोपोटामस, पहले आप इनकी इनको देख लो। पता नहीं भाई अभी तोड़ लेते हैं या दिखाते हैं कौन सी बड़ी चीज़ है इनके लिए। यूं दिखाया था आम से तोड़ है ना, गाय से बड़ा लग रहा नहीं गाय को। देखो गाइस आप इसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा साइज है इसका। तो ले आते हैं मगरमच्छ, धनेश और शेर को दिखाने के लिए, हॉर्नबिल। दोस्तों ये है मार्स क्रोकोडाइल पंकिंग मगर,
ये देखो दोस्तों क्रोकोडाइल रात में मूवमेंट कर रहा है। ये इसका पूरा केज गाइस, ये है घड़ियाल कैवेलस जिगेंटस। ये रहा केज में बंद है। ये रहा, ये देखो गाइस, ये है घड़ियाल। बाहर जाएगा लग रहा है, ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा पानी के। आजा 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 बाहर आजा, बहुत बड़ा लग रहा है। देख रहे ओए होए, बड़ा है तो बहुत ह्यूज है यार। तो दोस्तों मगरमच्छ हमने देख लिया है, अब हम मेन देखने जा रहे हैं शेर। अब मगरमच्छ के पास जब हम खड़े थे तो शेर के गुर्राने की इतनी तगड़ी बेस आ रही थी, अब हम वही जा रहे हैं देखने। हाँ, वही जाते हैं हम, जो कि सोरा भाई का सबसे फेवरेट था। हाँ, इस जू के अंदर। तो यहाँ पे काफी भीड़ लगी है, तो आई थिंक यहाँ पे हमें ओए भाई साहब, क्या साइज है उसका, वो देखो। ये देखो गाइस, तो गाइस फाइनली शेर जो है उठ गया है। अब हम इसकी मूवमेंट आपको दिखाते हैं, व्हाट अ साइज। ये देखो इसका साइज आप, ये है स्टोरी ऑफ द टाइगर। अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो आप वीडियो को पॉज करो और देखो उसे उनके लिए। अगर आप हिंदी में अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप इसको देखिए। देखो गाइस व्हाइट टाइगर मुंह पलटा के बैठा हुआ है, एक ही बैठा है, बैठा हुआ है यहाँ पर बैठा हुआ। जगुआर की इन्फो आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लेकिन निशान भी अलग ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों काफी मजा आया हमें जू में घूमने में, तो हम रिकमेंड करेंगे आप सब आइए अपनी फैमिलीज के साथ और मॉर्निंग में ही आइए। हाँ, मॉर्निंग टाइम में आए तो अच्छा लगेगा आपको, साथ भी सभी के सब जानवर दिख जाएंगे। हाँ, जैसे कि शेर हाथी। हाँ, सारे जानवर दिख जाएंगे। मतलब हमें तो बहुत मजा आ गया, हम चाहेंगे आप भी आओ। थैंक यू।